के मुखिया के तौर पर आए और सारे हमारे बुद्धिजीवियों के सामने कुछ वादे किए, उसमें हमारे पत्रकार बंधु आप लोगों में से काफी लोग मौजूद। दूसरी मीटिंग 5 मई 2019 को हुई, उसमें भी उन्होंने वो तमाम वादे दोहराए जो अरविंद केजरीवाल जी करके गए थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम काम कर रहे हैं, आप इस पर बात कीजिए। तो हमने उनसे डिमांड इसी पे की थी। इसके ताल्लुक से मैं आपको दो छोटी छोटी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, ताकि आप पहले खुद देख लें कि उन्होंने क्या कहा था, फिर उसके बाद हम 5 और 10 मिनट की गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद आपके सवालों जवाब लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी टेक्निकल टीम से कि वो 23 फरवरी 2019 को जो इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम, जिसका मैं कन्वेनर हूं, वो मीटिंग बुलाई गई थी, अरविंद केजरीवाल उसमें मुख्य अतिथि थे, आतिशी जो उनकी एजुकेशन सलाहकार है वो भी थी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान भी थे, और वो क्या बोलते हैं आइए आप खुद सुनिए। बिल्डिंग की फिर वो स्क्रूटनी होने लगी, फिर अचानक
अरविंद केजरीवाल साहब का फोन आता है और वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। वो कहते हैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए। हमने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? ये आप तो तालीम पे अपना सिरप पीटते हैं, पीठ थपथपाते हैं, आखिर ये तालीम पे काम हो रहा है? इसमें तो कोई ऐसा काम नहीं है और दलित और मुस्लिम बस्तियों पर हो रहा है। हमने आपको दूसरी सरकार जो कर रही है तेलंगाना में उसकी तर्ज पर कहा है, तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? लेकिन वो संघी सोच, वो आरएसएस की विचारधारा, या यूं कहे कि वो जो जहां से डायरेक्शन था वहां से ये नहीं मिला उनको इजाजत कि आप उन गरीब इलाकों में मुस्लिम और दलित इलाकों में जाके स्कूल खोलें, वहां से चाबी टाइट कर दी गई और वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से ये सवाल पूछता हूं कि वो कौन सी वजह थी जो आपने ये प्रोजेक्ट रोक दिया? क्या आखिर मुसलमानों के या दलितों के बच्चे पढ़ जाते तो क्या आपको कुछ वो तकलीफ देते? या आप भी भारतीय जनता पार्टी की उसी राह पे चल रहे हो कि ये मुस्लिम और दलित पढ़ने नहीं चाहिए, पढ़ेंगे तो हमसे सवाल करेंगे और हमसे सवाल करेंगे तो हमारी पोल खुलेगी? एक तो आपके सामने ये कोशिश गुजार करना था, दूसरा हमारी एक उनसे डिमांड थी, इसमें हमने उनसे 250 स्कूल की डिमांड की। 250 स्कूल में हमने उनको एरिया वाइज बना के दिया था कहां कहां कितने कितने स्कूल बनने हैं। उसके साथ हमने उनसे कहा था कि करोलबाग का जो तिब्बिया कॉलेज है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, अगर आप उसे यूनिवर्सिटी बना दें तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐड हो सकते हैं, केंद्र सरकार से भी उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमसे कहा ठीक है हम इसे यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम इस पर गौर करें। तो वो लोग जो शिक्षा के मामले में जनता को बेवकूफ बनाते हैं, 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, उसमें 30% शिक्षा पे खर्च होता है 22,000 करोड़। तो क्या आखिर चंद, ये तो हमारी जो स्कीम थी 1,000 करोड़ की भी नहीं थी, 500-600 करोड़ की थी, क्या मुस्लिम और दलितों के लिए 500-600 करोड़ नहीं है इनके पास? या सिर्फ इनको इन दोनों तबकात का वोट चाहिए? लेकिन वोट मिलने के बाद फिर ये भाग जाते हैं वहां से या पीठ दिखा देते हैं। तो चूंकि अब ये चुनाव का समय है, हमें और आपको सबको मिलके राजनीति से ऊपर उठ के इनको खटखरे में खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ कि जो दो बैकवर्ड कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपने प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन ले सकती थी। क्योंकि ये बात आप और हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अगर कोई सबसे मुश्किल चीज है तो वो अपने बच्चों की नर्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन है। उसकी इतनी ज्यादा फीस है, इतना मुश्किल है उसको पाना, एडमिशन नहीं मिलता, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, सरकारी स्कूल बहुत दूर है। तो इसलिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इन बहरूपियों की, या यूं कहिए छोटा रिचार्ज की असलियत बताने की थी। इसके अलावा मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं, मेरे साथ इंजीनियर डीसी कपिल साहब हैं जो मैं तारुफ करा रहा था, इंजीनियर डीसी कपिल साहब का जो राष्ट्रीय एससी एसटी कर्मचारी महासंघ की, जिसको परिसंघ कहा जाता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप डेसू के चीफ इंजीनियर भी थे और आप राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जिसके मुखिया हमारे भानु प्रताप सिंह एडवोकेट साहब है, जिनसे आप लोग वाकिफ होंगे, वो अभी किसी कोर्ट में थोड़ी हियरिंग में फंस गए वरना वो भी पहुंचने वाले थे, वो हमारे हिस्सेदारी मोर्चा में शामिल हुए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। दूसरा इनकी बेटी, यकीनन वो हमारी भी बेटी है, वो है शालिनी चित्रा, आप इधर आ जाइए शालिनी चित्रा जी, सॉरी चित्रा शालिनी जी, आप वार्ड नंबर 218 सुंदर नगरी से वहां की कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर की उम्मीदवार है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इनको अपनाती है, अडॉप्ट करती है, इनको समर्थन देती है, हमारी यहाँ वहां की टीम भी यहाँ मौजूद है, हम उनके साथ भी बाद में फोटोग्राफी कराएंगे। लेकिन मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की प्रत्याशी श्रीमती चित्रा शालिनी जी, जो एक नौजवान पढ़ी लिखी MA LLB है,
वो होंगी और हमारा पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा। अब मैं अपने जो उनके फादर भी हैं चित्रा शालिनी जी के डीसी कपिल साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो